मध्य प्रदेश की राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले कैलाश विजयवर्गीय राजनीति के शतरंज पर जो भी चाल चलते हैं वो नजीर बन जाती है। इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में है, लेकिन ये क्या वो अचानक एक नंबर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला के ही घर पहुंच गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जब से कैलाश विजयवर्गीय का नाम चुनावी रेस में आया है वो सुर्खियों में है। पहले तो अपने चुनाव ना लड़ने की इच्छा वाले बयान के चलते और अब संजय शुक्ला के घर पहुंचने के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नंबर एक विधानसभा पर बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया। कांग्रेस के वर्तमान विधायक संजय शुक्ला को ही कांग्रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में अचानक कैलाश विजयवर्गीय का संजय शुक्ला के घर पहुंचना, आपको बता दें संजय शुक्ला के दिवंगत पिता बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। बीजेपी में जब कैलाश विजयवर्गीय का करियर शुरू हो रहा था तब वो कद्दावर नेता माने जाते थे और एक नंबर विधानसभा में बड़े भैया की पकड़ काफी मजबूत रही है। इसलिए जब कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला तो वो उनसे आशीर्वाद लेने और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वरिष्ठ दिवंगत नेता के घर जा पहुंचे। राजनीति में एक तरफ तो तल्खियों का दौर है, यहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं बल्कि दुश्मनियां साधी जा रही है और इस दौर में कैलाश विजयवर्गीय का संजय शुक्ला के घर जाना और बड़े भैया को श्रद्धांजलि देना कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने जड़ों की ओर वापसी कर रही है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।